अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैम, आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो 29 दिसंबर 2022, दो एक दिन रह गए, ये साल भी कंप्लीट होने वाला है और दिसंबर का जो मंथ है ये भी कम्प्लीट होने वाला है। दो दिन सिर्फ लेफ्ट रह गए हैं, लेफ्ट हैं इसमें, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने कोशिश करनी है कि छोड़ संभाल लौट से चले। बस ये कुछ वीक, एक दो दिन ये निकाल लें और जनवरी के एक वीक और ट्रेडिंग हम कर रहे हैं टेक्निकली। इंशाल्लाह जो भी ट्रेंड चलता है उसके मुताबिक चलेंगे, ये कि एक स्मॉल लोड से चलें, अपने आप को सेफ रखें। और आज का जो दिन है थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है, कल फ्राइडे, कल वीकली क्लोजिंग हो जाएगी और इसके साथ साथ मंथली भी तकरीबन, ऐसे ही समझ लेना, क्योंकि ज़ाहरी बात उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होगी, तो मंथली भी कल का जो फ्राइडे है, ईयरली भी कल क्लोजिंग है और मंथली भी कल जो है ना वो क्लोजिंग है। ठीक है, तो टेक्निकली एनालिसिस करने से पहले इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि आज सभी पेयर का एनालिसिस कर दूँ एक ही वीडियो में, के बाद फिर नेट का मसला बनता है, या कोशिश करूँगा अलग अलग बना लूँ या एक ही वीडियो में ना आज का काम तमाम करता हूँ। तो सबसे पहले ये टेक्निकल से पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल आज है या नहीं। ठीक है, फंडामेंटल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि टेक्निकल से पहले फंडामेंटल जरूरी होता है। आप लोग पूछते हैं कि सर कोई न्यूज़ दे है, तो वो मैं आपको इसलिए वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आप लोग देख वीडियो में देख सकें। तो ये आप लोगों के सामने है, ये 28 दिसंबर, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जी 29 दिसंबर, ठीक है, आ रही है आप लोगों को, ये लिखा हुआ 29 दिसंबर थर्सडे का दिन है। और ये न्यूज़ हैं, कुछ स्मॉल इंपैक्टेड न्यूज़ हैं, यूरो की दो न्यूज़ हैं और उसके बाद 3 USD, इसमें 6:30 बजे थोड़ी बहुत है जो इसमें इंपैक्ट आने के चांसेस हैं, वही इसमें है, देख लेते हैं ओपन करके भी डाटा, इसमें पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, तो इसका मतलब है डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड नीचे आएगा। अगर इस ये फिर 8:30 बजे हैं, एक नेचुरल गैस की है और जैसे क्रूड ऑयल की है, क्रूड ऑयल, ठीक है, तो ये न्यूज़ हैं, ये जो क्रूड ऑयल वाली, ये ऑयल का जो पेयर है उस पर, अगर नेचुरल गैस जो नेचुरल का पेयर है उस पर इम्पैक्ट आएगा, इसका गोल्ड पर इतना पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसमें जो है वो ये देख रहे हैं कि मैं थोड़ी सी, तो प्रीवियस 216 है और जो फोस्ट कर रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो डाटा पॉजिटिव का तो डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो है वो नीचे आएगा, सिंपल सी बात है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हैं फंडामेंटल, आपके सामने बता दिए, 3 से 4 न्यूज़ हैं आपके सामने ही हैं, ये देख लें, ये पूरे फंडामेंटल है जी, ये कोई इतना फंडामेंटल नहीं है, मार्केट टेक्निकली चलेगी, टेक्निकली के लिए मैं टेक्निकली स्क्रीन पे ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ मैं गोल्ड की बात कर लेता हूँ कि गोल्ड में क्या पोजीशन चल रही है, टेक्निकली गोल्ड में क्या पोजीशन है। इस अब लोगों के सामने ये गोल्ड का चार्ट है, इसे मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं कि गोल्ड में क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, टेक्निकली तौर के ऊपर, और कल की सिचुएशन भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, कल अल्हम्दुलिल्लाह आप छोड़ चार्ट बड़ा करता हूँ, डे 1 कल जब मार्केट थी, आप लोगों के सामने मैं उनको दिखाता हूँ कि यहाँ पे थी मार्केट 1812 के ऊपर, क्या कहा था, 1810 के ऊपर से सेल करें, SL अपना 1700 TP, अल्हम्दुलिल्लाह 1800 TP हिट किया मार्केट ने, फिर क्या सिग्नल दिया, फिर मार्केट ने 1797 लगाया, 1798 से बाय कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह TP का हिट हो चुका है, 1805 TP था 70 pips का। तो ये देखें ना, कभी लॉस होता है हमें, लेकिन रिकवरी भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा अकाउंट सेफ रखें, ये प्रॉफिट लॉस इसका हिस्सा है, एक दिन SL दूसरे दिन हमारा प्रॉफिट है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल प्रॉफिट हो गया। अच्छा, कल हमारा लॉस कोई SL की तरफ ट्रेड नहीं गई। ठीक है, तो मज़ीद आज के दिन के लिए अगर देखे जाएँ तो डेली का, अगर देखें डेली स्ट्रेटजी क्या कह रही है, मुझे आप लोग भी बता दें कमेंट में कि डेली स्ट्रेटजी क्या कहती है, क्योंकि आप लोग देख देख के तो इतना तो कन्फ्यूज, डेली स्ट्रेटजी बाय की कैंडल बनी हुई, तो डेली स्ट्रेटजी कहती है 1805 से बाय करो, SL 1801 लगा लो, 40 pip का SL, $4 का SL होना चाहिए, 1805 से बाय करें और TP अपना लगा लें, 1815 लगा लें या 1812 लगा लें, 70-80-100 pips का तो बन जाता है, 4 pips का अगर $4 का ऐसा है तो TP $8 का होना चाहिए कम से कम ही, इसका 5 से अगर आप करते हैं तो 12 TP लगा लें, $8 बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि 1801 SL, 1805 से बाय और TP क्या होगा 1812, लिख दे देता हूँ अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो बाय कहाँ से करना है वो लेमर सुन लें, 1800
1805 से बाय एसएल सुन लें जी, 1801 टीपी सुन लें, 1812 टीपी, ये आज का सिग्नल है, जो वीडियो देखेंगे उनको ही समझ आएगी। अच्छा इसके अलावा मैं H1 अपन जितनी देर डेली का ना चार्ट है ना, H1 में दिखा देता हूँ कि H1 में क्या सिचुएशन है। H1 में जो सिचुएशन है ये देखेंगे, इस लाइन से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी मूविंग एवरेज से, इसका मतलब ट्रेंड बाय की तरफ है। हम भी बाय भी बैठेंगे, हम सेल में नहीं बैठेंगे अभी, ठीक है। तो ये बाय में जा रहा है आप लोगों के सामने स्लोली स्लोली। इसके अलावा मैं H4 दिखा देता हूँ कि H4 में क्या सिचुएशन है। ये जी H4 है, H4 में भी देख लें आपके सामने कैंडल बाय की बनी हुई है, ये वाली ना बाय की दे रही है और मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो ये वही टारगेट 1832 वाला लॉन्ग टर्म के लिए। इसको रिटेस्ट कर देगा 1832, चांसेस तो लग रहे हैं ज़्यादातर ना। अच्छा तो इसके अलावा मैं बस ये सिग्नल देना होता है, टेक्निक अपनी स्ट्रेटजी बतानी होती है, बता दिया मैंने। नेक्स्ट मैं ये बताने लगा हूँ कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सुन लें, उसके बाद वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी। गोल्ड रिंग जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1800, पहली रेजिस्टेंस सुन लें जना 1818, दूसरी रेजिस्टेंस 1824 है, और तीसरी रेजिस्टेंस ये सुन लें, तीसरी रेजिस्टेंस 1832 है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बता दिए, मैं 24 और 32 से इंटर हो जाऊंगा ट्रेड का, आज फिर बता रहा हूँ 1818 से कुछ अवॉइड करूँगा। इसके अलावा सपोर्ट सुन लें जी 1801 लगा लें या दो, जो हमारा SL है ना वो सपोर्ट भी है, वो एक तो ये बन गई, दूसरी सपोर्ट 1790 है, तीसरी सपोर्ट 1782 है, यहाँ से और यहाँ से बाई एंट्री आप कर सकते हैं, 1790 और 1782 से बाई एंटर हो सकते हैं, ठीक होगी बात, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम जो चार्ट ओपन करता हूँ DX में देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स, क्योंकि इसका गोल्ड के साथ बहुत रिलेशन है। इसका Day 1 ओपन कर लेता हूँ, आप ये देखें जी कल Day 1 बाय था तो हमने भी बाय गोल्ड गोल्ड नीचे आ गया था, हमारी स्ट्रेटजी कामयाब होगी। आज Day 1 सेल में है और मार्केट का मूविंग एवरेज के भी नीचे ही है और है भी सेल में, तो ये इसके रखें यहाँ पे SL TP रखें 103, 103.500 ये TP बन जाएगा, SL क्या बन जाएगा, वैसे ट्रेड करनी नहीं है इसके ऊपर, मैं बता रहा हूँ इसका जो SL बन जाएगा वो 104, SL जो इसका बनेगा वो 104.800 ये बनेगा, ठीक है। बहरहाल अवॉइड करें इसके ऊपर ट्रेड, इससे इससे आप सिर्फ एनालाइज किया करें, ट्रेड गोल्ड पे किया करें। तो ये आज के एनालिसिस, उम्मीद है कि समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।